तो देखो यार, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल। आज आप लोगों को पता है कि आज जैसे आईपीएल का 2023 का ऑक्शन हुआ था, आज हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि इस ऑक्शन में कौन कौन से प्लेयर बिके और कौन कौन से नहीं बिके और कितने में बिके। तो देखिए, सबसे पहले हमारे मेन बैट्समैन केन विलियमसन को गुजरात टाइटंस ने खरीदा है उनके बेस प्राइस 2 करोड़ में। और उसके बाद फिर आ जाते हैं हैरी ब्रूक को खरीदना है सनराइजर्स हैदराबाद ने 13 करोड़ 25 लाख का। और फिर मयंक अग्रवाल को खरीदा है सनराइजर्स हैदराबाद ने 8 करोड़ 25 लाख का। फिर उसके बाद आ जाते हैं अजिंक्य रहाणे को खरीदा है 50 लाख किसी बहुत ही कम अमाउंट में खरीदा है चेन्नई सुपर किंग्स ने। फिर उसके बाद आ जाते हैं जो रूट का नंबर है पर वो अनसोल्ड ही चले गए। फिर रिले रूसो भी अनसोल्ड ही चले गए। फिर सैम करन सबसे महंगे बिके, इनको पंजाब किंग्स ने खरीदा है 18 करोड़ 50 लाख की कीमत। ये आईपीएल के अब तक के ऑक्शन में सबसे ज्यादा महंगे बिकने वाले प्लेयर हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं ओडिन स्मिथ, इनको 50 लाख की बहुत ही कम अमाउंट में गुजरात टाइटंस ने खरीदा। फिर उसके बाद आ जाते हैं सिकंदर रजा, ऑलराउंडर अच्छे ही है पर इनको पंजाब किंग्स ने खरीदा 50 लाख में। फिर उसके बाद आ जाते हैं जेसन होल्डर को 5 करोड़ 75 लाख की कीमत में राजस्थान रॉयल ने खरीदा है। फिर उसके बाद आ जाते हैं कैमरन ग्रीन को मुंबई इंडियंस ने 17 करोड़ 50 लाख की महंगी कीमत में खरीदा है और ये पोलार्ड की जगह पर रिप्लेस हुए हैं। इसके बाद आ जाते हैं बेन स्टोक को 16 करोड़ 25 लाख की कीमत में चेन्नई सुपर किंग ने खरीदा है। अब हमें यहाँ पर बेन स्टोक नजर आते दिखाई देंगे धोनी के साथ बैटिंग करते हुए। यह था अब तक के सभी सोल्ड और अनसोल्ड प्लेयर की लिस्ट। लाइक करें अब तक जो भी अनसोल्ड हुए। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा